और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन खत्म हो चुका है। अति के करीबी सरफराज के घर पर यह एक्शन देखने को मिल रहा था। फिलहाल उस घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और अब फिलहाल जो बुलडोजर वहां पे चल रहा था वो एक्शन, वो कार्रवाई फिलहाल रुक दी गई है। पिछले दो दिनों से कल भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिला था। अतीक अहमद के करीबी के घर पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था और आज प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर नजर आया और अतीक अहमद के करीबी सरफराज के घर को जमींदोज कर दिया गया है। तो गैंगस्टर, गुंडे, माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन यूपी सरकार का लगातार जारी है। प्रयागराज में दूसरे दिन यह एक्शन आज भी देखने को मिला। जो अभी खबर आई है उसके मुताबिक अभी एक्शन फिलहाल रोक दिया गया है। प्रयागराज के 60 फीटा रोड पर सफदर अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका जो मकान था उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल यहां पर की गई है। सफदर जी, पूरी कार्रवाई की आप अपने वकील के साथ यहां पर आए हैं, क्या कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन। वो अपना समझें कैसे गिराया है, वो जवाब दें, वो बताएं, हम क्या उस पर एक्शन ले सकते हैं। हम कौन है, कोई अधिकारी तो है नहीं कि हम कोई एक्शन ले लें। अच्छा, आप बता रहे थे ये मकान आपके नाम नहीं है? नहीं है। किसके नाम है मकान? बच्चों के नाम, हमारे लड़कों ने खरीदा है, अपनी जमीन बेच के खरीदा है। क्या नाम है बेटों का? वो बताया तो सुबह भी आपको बताया, सैयद कमर अब्बास, सैयद फजल अब्बास। तो ये मकान उनके नाम लिखा पड़ी जी जी, तो नोटिस आपके नाम आई? नोट, अरे भाई वो हो सब बनावटी काम है तो आएगी मेरे नाम, वो तो मुझे टारगेट किया जा रहा है तो उसके लिए आई होगी, लेकिन किसका मकान वो देख के उनको गिराना चाहिए था। आपको नोटिस मिली थी? नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि नोटिस भेजी गई थी आपके लिए? भाई ऐसा है कि मैं झूठ बोल दूं कि आपको भी एक नोटिस दिया हूँ, आप जवाब दीजिए कि नहीं दिया। जब हमारा साइन नहीं है, हमारी दस्तखत नहीं है, हमारे बच्चों की दस्तखत नहीं है, तो आप बताइए कैसे ये बात कह रहे हैं आप? नोटिस आपके नाम लिखा पड़ी है, मकान बच्चों के नाम? बच्चों के नाम, रजिस्ट्री बच्चों के नाम। तो ये आपने सुना, सफदर अली को उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मकान जो है वो उनके दोनों बेटों के नाम है, लेकिन नोटिस उनके नाम भेजी गई। दूसरा, आज की जो कार्रवाई है यानी कि जो बुलडोजर एक्शन आज प्रयागराज में जो 60 फीटा रोड है सफदर अली के जिस मकान पर देखा जा रहा था बुलडोजर का एक्शन, वो फिलहाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आप देखिए कि सुबह यहां पर आलीशान एक बड़ा मकान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब पूरी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है और उसके बाद अब जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है उसको फिलहाल यहीं पर रोक दिया गया है। और अब फिलहाल यहां से जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो यहां से रवाना हो चुकी है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी यहां पर काफी भीड़भाड़ अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। सब तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो निकलकर इस पूरे मामले को जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब पुलिस और प्रशासन की टीम यहां से रवाना हुई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो कार्रवाई होनी थी वो पूरी हो चुकी है। फिलहाल आप देखिए कि ये तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि पूरा मकान तकरीबन जमींदोज हो चुका है, पिछला कुछ हिस्सा बाकी बचा हुआ है, लेकिन चूंकि यहां के सारे मकान एक दूसरे से मिले हुए हैं लिहाजा कोने के हिस्से को छोड़कर बाकी सारे हिस्सा फिलहाल यहां पर जमींदोज हो चुका है और आज की कार्रवाई भी फिलहाल पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और पंकज के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज 24।